हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न इन हिंदी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 फाइट मंजू फाइट का तीसरा पार्ट। अगर आपने पहले और दूसरे पार्ट को नहीं पढ़ा हो तो हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। आप वहां से पार्ट 1 और पार्ट 2 को फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जाना था कि मंजू जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है एंड शी इज हैविंग क्लम्सी एंड डिफॉर्म्ड फिंगर्स एज वेल एज फीट, स्पेशली टोज। तो मंजू एक ऐसी लड़की है जिसके हाथ और पैर दोनों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं और जिस वजह से उसे चीज़ों को होल्ड करने में दिक्कत होती है, मगर उसका सपना है कि वो MF हुसैन जैसी आर्टिस्ट बन सके और इसलिए वो पेंटिंग की प्रैक्टिस करती है। लेकिन एक दिन वो अपने पिता को, जब मंजू की माँ उनसे मंजू के लिए पेंटिंग मटेरियल्स के लिए पैसे मांग रही होती हैं, उस दौरान उसने अपने पिता को सुना कि वो किस तरह से आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और वो नहीं चाहते कि मंजू पेंटिंग करके उनकी परेशानी को और बढ़ाए। इसके अलावा उसने ये भी देखा कि उसके पिता को मंजू को लेकर के अविश्वास था कि वो उस तरह की उंगलियों के साथ पेंटिंग कर पाएगी। ऐसा सुनकर मंजू पेंटिंग करने का ख्याल निकाल देती है। उसने अपने पिता को ये भी चिल्लाते हुए सुना कि मंजू को कुकिंग, स्टिचिंग जैसे यूजफुल काम में मन लगाना चाहिए और पेंटिंग जैसा खर्चीला एक्टिविटी छोड़ देना चाहिए। इतना सुनकर मंजू हतोत्साहित हो जाती है, मंजू होपलेस हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है और फिर हमेशा के लिए पेंटिंग को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करती है। उस सभी पेंटिंग्स को बिट्स बाय बिट्स फाड़ देती है, छोटे छोटे पीसेस में फाड़ देती है और ब्रशेस एंड कलर्स का बंडल बना के कपबोर्ड में दूर रख देती है ताकि उस तक उसकी नज़र कभी ना जाए और अपना मन कुकिंग में लगाने लगती है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि इसी दौरान जब उसके भाई को पता चलता है कि मंजू इज नॉट गोइंग टू डू पेंटिंग मोर, शी हैज़ डिसाइडेड टू लीव पेंटिंग फॉर एवर, देन ही इज शॉक्ड एंड ही स्टार्ट टू कन्विंस मंजू टू मेक हर पार्टिसिपेट इन हिज ओन स्कूल ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन। He is assured that Manju can win in this competition. So let us see whether Manju is ready to participate in on the spot painting competition or not. Manju's brother Amol tried to convince her. He says, "Why don't you try for me?" वो उसे encourage करना चाहता है। वो बोलता है कि painting तुम करो मेरे लिए, मेरी खातिर तुम्हें पेंटिंग करनी होगी। साइलेंस हंग ओवर द डाइनिंग टेबल, नोबडी स्पोक। मंजुला वेटेड होपिंग फॉर अ वर्ड फ्रॉम हर फादर। साइलेंस हंग ओवर द डाइनिंग टेबल, सन्नाटा छाया हुआ है डाइनिंग टेबल पे। नोबडी स्पोक, मंजुला वेटेड होपिंग फॉर अ वर्ड फ्रॉम हर फादर। मंजुला इंतजार कर रही थी कि उसके पिता कुछ कहें, क्योंकि वो अपने पिता के बातों से हर्ट होकर के पेंटिंग छोड़ी है। हाँ, इसलिए वो चाहती थी कि उसके पिता भी अपना ओपिनियन दें कि वो पेंटिंग करे या ना करे। हर शोल्डर्स सैग्ड, सैग्ड मीन संक, ड्रॉप्ड। जब हम किसी से बातचीत करने की मुद्रा में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी पोस्चर होता है उसे देख के लगता है कि वी आर enthusiastic to listen to someone or to tell something to someone। तो वो भी उसी पोज में बैठी हुई है लेकिन उसके कंधे सैग्ड हो जाते हैं, ड्रूप्ड हो जाते हैं, स्लम्प हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, हाँ झुक जाते हैं। When Mr. Parilkar casually changed the topic, जब मिस्टर पारिलकर ने मंजू के पेंटिंग करने ना करने के टॉपिक को कैजुअली चेंज कर दिया, यूं ही चेंज कर दिया, और तब मंजुला और भी होपलेस हो गई। स्टूडेंट्स, सैग द सोल्जर का मतलब एक और होता है, वो क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाना, थक जाना, यानी अब उसके पास
अपने इस डिसीज़न को पेंटिंग को लेकर के कोई उम्मीद नहीं समझ में आ रही थी और वो कमज़ोर पड़ गई जब उसके पिताजी ने टॉपिक को बदल दिया। आई हैव टू गो टू बॉम्बे नाउ मुंबई नेक्स्ट वीक, देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एट द ताज। उसके पिताजी बताते हैं, वो अपनी प्लानिंग बताने लगते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीक में बॉम्बे जाना है, देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एट द ताज। ताज आपने सुना होगा, ताज का नाम फेमस होटल इन मुंबई। आई विल नीड माई सूट, मेरे सूट की ज़रूरत है। कुड यू टेक इट आउट एंड गेट इट आयरन्ड, क्या इसे ला करके आयरन कर दोगी। बॉम्बे, थॉट मंजुला पारेलकर, शी वुड लाइक टू गो टू बॉम्बे टू, वो भी बॉम्बे जाना चाहती थी। पीपल वो डिफरेंट देयर, लोग वहाँ डिफरेंट हैं, अलग हैं। दे माइट नॉट विस्पर अबाउट हर हैंड्स व्हेन दे सी हर, ठीक है ना, दे माइट नॉट विस्पर, ऐसा पॉसिबल है कि वो बिल्कुल विस्परिंग नहीं करेंगे। विस्पर करना यानी धीमी धीमी आवाज़ में बोलना। अबाउट हर हैंड्स व्हेन दे सी हर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उससे देखते ही लोग कुछ कानाफूसी नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्या देखते ही, उसके हैंड्स को देख करके। जनरली जो अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं वो किसी के भी डिसेबिलिटी को देख करके उसके सामने ही आपस में कानाफूसी या भुनभुनाहट सा कुछ करने लगते हैं, जिससे जिस व्यक्ति को देख करके वो ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं उसे बुरा लगता है। तो मंजुला को बुरा लगता था जब कोई उसे देख करके यूँ अचानक से विस्परिंग शुरू करता था। उसे लगता है कि मुंबई में सब अच्छे होंगे, कोई उसके हाथ को देखकर विस्परिंग नहीं करेगा। और गिव हर दैट ड्रीडेड ओ गॉड पुअर चाइल्ड काइंड ऑफ लुक, या फिर उसे इस तरह से नहीं देखेंगे। ड्रीडेड जो बहुत ही भयानक तरीका होता है, किसके लिए भयानक है, मंजुला के लिए भयानक है, क्योंकि लोग उसे किस तरह से देखते थे, ओह पुअर चाइल्ड, ओह गॉड पुअर चाइल्ड, कुछ इस तरह से, जैसे ऐसा लगता था कि लोग उसे देख करके तरस खा रहे हों, उस नज़र से लोग उसे देखते थे। तो मंजुला को ऐसा लगता है कि मुंबई में कोई ऐसा नहीं करेगा, उसे देख करके कानाफूसी नहीं करेगा और उसे देख करके उस तरह का लुक नहीं देगा। एंड देयर वॉज एन आर्ट कॉलेज इन बॉम्बे, और क्या था, बॉम्बे में एक आर्ट कॉलेज भी था, आर्ट। मंजुला पारेलकर वॉज थ्रू विथ आर्ट, थ्रू विथ मीन्स हैविंग फिनिश्ड आर्ट। मंजुला पारेलकर वॉज थ्रू विथ आर्ट, मंजुला पारेलकर ने आर्ट को फिनिश कर दिया था, उसके जीवन में अब कोई आर्ट नहीं रह गया था, उसने छोड़ दिया था। शी हैड गिवन इट अप फॉर गुड, वो हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़ चुकी थी। हाउ एवर मच इट वुड हर्ट, हाउ एवर मच, चाहे जितना भी उसे तकलीफ हो बट वो आर्ट को छोड़ चुकी थी। मंजू, हर मदर्स वॉइस रीच्ड हर फ्रॉम फार अवे, विल यू गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड मीन्स हेल्पिंग। मंजुला हेल्प्ड हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक, अपनी माँ की उसने मदद की, वो स्टील ट्रंक को कहीं मूव कर रही थी उसमें। मिसेस पारेलकर ओपनड इट बट देन शट इट अगेन, मिसेस पारेलकर ने उसे खोला लेकिन फिर तुरंत शट कर दिया, तुरंत बंद कर दिया। शी टर्न टू मंजू डेसिसिवली, वो मंजू की तरफ घूमी डेसिसिवली वे में, मीन्स ऐसा लगा कि उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया हो और उस तरीके से उसकी तरफ घूमती हैं अपने डिसीजन के बारे में बात करने। मंजू, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं डॉट डॉट डॉट, यहाँ उन्हें इंटरप्ट कर दिया जाता है, यानी कोई और बोल देता है, उन्हें बोले नहीं देता। क्या होता है, मंजुला खुद बोलती है, मदर प्लीज इंटरप्टेड द गर्ल, इंटरप्टेड मीन्स बीच में बोल पड़ना, किसी को उसकी बातों को बोलने नहीं देना, बीच में बोल देना ताकि उसे स्टॉप करना पड़े। तो शी इंटरप्टेड, मदर प्लीज, हर डार्क आइज बर्निंग, उसके आँख लाल दिख रहे थे, मीन्स शी वुड हैव केप्ट ऑन क्राइंग। डोंट, क्या बोलती है, मदर प्लीज डोंट, माँ प्लीज नहीं, यानी मुझसे बात नहीं करो। बट मंजू, प्लीज मदर प्लीज, कहती है माँ प्लीज मुझे बात नहीं करना है।
Mrs. Parelkar gripped her daughter firmly by the shoulders. Mrs. Parelkar ने grip किया, पकड़ लिया उसे, daughter को firmly, उसको जोरों से पकड़ लिया, by the shoulders, उसके कंधों के पास उसे पकड़ लिया, यानी उसे कंधे पे पकड़ ली है, देख रहे हो यहाँ फिगर में आप देख सकते हो कि मिसेस पारेलकर ने उसको कस के पकड़ा हुआ है उसके कंधों से, एंड लुक्ड हर स्ट्रेट इन हर आईज, उसकी आंखों में सीधा देख रही हैं, हर वॉइस फॉर्म, उसकी आवाज़ कैसी है मंजुला की, फॉर्म है, यानी उसको अब मूव नहीं किया जा सकता, वो डिसाइडेड है, विद डिटर्मिनेशन उसने निर्णय ले लिया है, उसके आवाज़ में डिटर्मिनेशन है, वो अब डिग नहीं सकती अपने डिटर्मिनेशन से, अपने पक्के पक्का जो निश्चय कर लिया उससे वो अब डिग नहीं सकती, वो फॉर्म है अब भी। शी सेड डोंट गिव इन मंजू, मदर ने क्या कहा, डोंट गिव इन, हार मत मानो मंजू, देर इज सो मच इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव, तुम्हारे अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अदर गर्ल्स के पास नहीं हैं, लेट इट कम अप, इसे आने दो, इवन इफ यू हैव टू फाइट, अगर तुम्हें फाइट करना पड़े तो भी, फाइट मंजू, फाइट मंजू, यू हैव टू फाइट। मंजूज थ्रोट वॉज थिक विथ टीयर्स, मंजू का जो थ्रोट था, गला, वो रूंध गया था, ब्लॉक हो गया था, रोते समय इंसान का गला भर आता है, मंजू के साथ भी ऐसा था। शी टर्न्ड अवे फ्रॉम हर मदर, वो अपनी माँ से दूर जाने लगी, अपना फेस उधर टर्न कर ली, घूम गई, माँ को फेस नहीं कर पा रही थी। मंजू लुक एट मी, हर मदर सेड जेंटली, प्यार से उसको बोलती हैं, मंजू लुक एट मी, यू हैव टू लर्न टू मास्टर ऑब्स्टेकल्स, तुम्हें सीखना होगा मास्टर करना ऑब्स्टेकल्स को, ऑब्स्टेकल मीन्स बाधाएं, जीवन में आ रही बाधाओं को कैसे मास्टर किया जाए, उसको कैसे हैंडल किया जाए, ये तुम्हें सीखना होगा। द विल एंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम देम कैन ओनली कम फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, ठीक है ना, जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको ओवरकम करने का, यानी बाधाओं को पार करने के लिए जो विल, जो इच्छा, जो स्ट्रेंथ, जो ताकत चाहिए, कैन ओनली कम फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर से आ सकती है। मंजुला टर्न्ड अराउंड इन एंग्विश, मंजुला गुस्से में वापस मुड़ती है। स्टॉप प्रीचिंग मदर, प्रीचिंग मीन्स उपदेश देना, माँ उपदेश देना बंद करें, जस्ट स्टॉप प्रीचिंग, यू सी इट इज आपको समझ में आ रहा है ये कुछ कहना चाहती है। इट इज़ ऑल पापाज़ फॉल्ट, शी वॉन्टेड टू से, वो कहना तो चाहती थी कि ये सब पापा की गलती है, लेकिन डीप इनसाइड शी न्यू इट वॉज नॉट, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि ये नहीं थी, यानी ये पापा की गलती नहीं थी, पापा की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने कहा कि वैसे हाथ से वो नहीं कर सकती, लेकिन कहीं ना कहीं ये पापा ने एक सहारा लिया था, पापा के पास खुद ही बच्चे को एफोर्ड कर पाने के लिए वो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी नहीं थी, ठीक है, तो ये पापा की फॉल्ट नहीं, इनके फाइनेंशियल कंडीशन की फॉल्ट थी। शी डैश्ड टू हर रूम, फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड, डैश करना मतलब तेजी से भागना, वो भागती है अपने रूम में, फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड, खुद को फ्लंग में उछालना होता है, किसी चीज़ को उछाल लेना, फ्लिंग का पास्ट है फ्लंग, तो वो अपने आप को फ्लंग करती, फ्लंग की ऑन द बेड, यानी कूद करके बेड पे पहुंच गई छलांग लगा के, एंड बरीड हर फेस इन द पिलो, बरीड मतलब गाड़ लेना, गड़ा लेना, उसने अपना चेहरा तकिए में गड़ा लिया, यानी छुपा लिया, बट शी कुड नॉट क्राई, लेकिन वो रो नहीं पाई, द टीयर्स जस्ट वुड नॉट कम, आंसू तो उसके आ ही नहीं रहे थे। वेन एट लास्ट सी सैट अप, लास्ट में वो उठ के बैठ गई, हर आईज फेल ऑन अ न्यूज़पेपर कटिंग ऑन द टेबल, उसकी आंखें कहाँ पड़ी, उसकी नज़रें कहाँ पड़ी, न्यूज़पेपर कटिंग पर पड़ी जो उसके टेबल पे पड़ी हुई थी। स्ट्रेंज, अजीब बात है, शी थॉट आई डिडंट कीप इट देयर, कहती है कि मैंने तो नहीं रखा यहाँ। पजल्ड शी पिक्ड इट अप, पजल्ड होके, हैरान होकर के जब वो उसे उठा करके और पढ़ती है तो क्या लिखा है इसमें, प्लेइंग सॉकर विथ आर्टिफिशियल फीट,
आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम पैर के द्वारा सॉकर खेलना, फुटबॉल खेलना। द बोल्ड हेडिंग स्क्रीम्ड एट हर। बोल्ड हेडिंग थी ये, एक न्यूज़ की हेडिंग थी जो चीख चीख कर उसे बता रहे थे कि क्या है, क्या है न्यूज़। अब डिटेल्स में क्या लिखा है, इन न्यू हैम्पशायर, जगह का नाम है न्यू हैम्पशायर, शी रेड ऑन रिच बेलांगर हु हैड लॉस्ट हिज फीट इन अ ट्रेन एक्सीडेंट डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट। रिच बेलांगर जो कि न्यू हैम्पशायर में है, उसने अपने फीट को, अपने पैरों को ट्रेन एक्सीडेंट में खो दिया है और उसने डिसाइड किया है क्या करना, फुटबॉल प्ले करना, और वो भी किससे, आर्टिफिशियल फीट। घटना हो चुकी है यानी रिच बेलांगर ने अपने पैरों को ट्रेन एक्सीडेंट में खोया और अपने आर्टिफिशियल फीट की हेल्प से फुटबॉल खेलने का डिसीजन लिया। हिज कोच थॉट इट वॉज रिडिकुलस, उसके कोच को ये बात काफ़ी रिडिकुलस लगी, हास्यास्पद लगी, एक हंसी का सब्जेक्ट लगा। हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, रिच बेलांगर के पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगा। दिस सेंटेंस वॉज अंडरलाइंड इन रेड, ये जो सेंटेंस था वो रेड से अंडरलाइन था, यानी न्यूज़ आगे भी थी लेकिन हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, इसको अंडरलाइन किया गया था रेड से, यानी कोई उस न्यूज़ कटिंग को पढ़ चुका था और वहाँ अंडरलाइन लगा के रखा था कि पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, बट बेलांगर स्टक टू इट, लेकिन बेलांगर स्टक रहे, अड़े रहे अपने डिसीजन पे एंड मेड इट टू द नशाउ टीम एज द डिफेंसिव एंड। और अपने इन्हीं पैरों की मदद से उन्होंने क्या किया, यहाँ नशाउ नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, NASHUA, नशुआ, हाँ नशुआ टीम जिसमें वो थे, उसको अपने इन्हीं कृत्रिम पैरों के मदद से इन्होंने डिफेंसिव एंड तक पहुँचाया, प्रोटेक्टिव वे में लास्ट तक वो खेल सके। मंजुला पारेलकर ड्रॉप्ड द क्लिपिंग, उसने क्या किया, क्लिपिंग को रख दिया, क्लिपिंग इन न्यूज़ क्लिपिंग की बात कर रहे हैं। What a brave boy, she thought, कितना brave boy था, उसने सोचा। He did not give up, उसने हार नहीं मानी। He played on, despite what other people said, चाहे किसी ने कुछ भी कहा, लेकिन वो खेलता रहा। Perhaps her mother was right, शायद उसकी माँ ठीक कह रही हैं, किसकी माँ, मंजुला की। She had to fight, fight on like Rich Belanger, उसे लगता है कि माँ सही कह रही हैं, मुझे फाइट करना होगा जैसे रिच बेलांगर ने किया। मंजुला वॉकड ओवर टू हर कबर्ड, मंजुला अपने कबर्ड की तरफ चलती हुई गई। हंटेड, ढूंढा, हंटेड थ्रू द पाइल्स ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों के जो पाइल्स बने हुए थे, ढेर रखे हुए थे एक के ऊपर एक, कपड़े जो तह लगा के रखते हैं उसको कहते हैं पाइल ऑफ क्लॉथ्स, तो पाइल ऑफ क्लॉथ्स में ढूंढा। एंड पुल्ड आउट हर कलर्स एंड ब्रशेज, और वहाँ से क्या ढूंढ के निकाला, क्या हंट करके निकाला, कलर्स एंड ब्रशेज। शी रैन हर थंब ओवर द सॉफ्ट ब्रिशल्स, जो ब्रिशल्स का मतलब जो रेशेदार ब्रश का जो माउथ वाला पोर्शन होता है, हेयरी जो पोर्शन होता है उसको, ब्रश वाले पोर्शन को अपने थंब की हेल्प से टच करती है। एंड द लॉन्गिंग टू पेंट, लॉन्गिंग मीन्स इच्छा करना, कामना करना, विश करना, तो पेंटिंग की इच्छा। द लॉन्गिंग टू पेंट सी एंड स्मेल कलर्स, उसके अंदर अचानक से इच्छा आ गई थी पेंट करने की, उसको देखने की, पेंट को देखने की और पेंट को स्मेल करने की, और इच्छा, इस इच्छा की वजह से क्या हुआ, इस इच्छा ने ड्राइव कर लिया आंसुओं को उसकी आँखों में, इस इच्छा की वजह से उसकी आँखों में आंसू उतर आए। On the day of the on-the-spot painting competition, shortly after breakfast, her brother said, I am off, ma. जिस दिन on-the-spot painting competition था, उस दिन breakfast के बाद अमोल ने कहा, I am off, ma. मैं जा रहा हूँ, ma. रतन and I are helping at the entrance gate. Competition था, तो entrance gate पर रतन और मेरी duty लगी है, यानी हम लोग help कर रहे हैं लोगों को। They are expecting a big crowd. They are मतलब the organizers. उनका कहना है कि a big crowd हो सकता है। Turning to Manjula, Manjula की तरफ घूमता है
और कैजुअली कहता है पीटी यू आरंट कमिंग, तुम नहीं आ रही हो इस बात का दुख है। आई एम श्योर यू वुड हैव वॉन अ प्राइज, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जीत सकती थी। आई माइट विन वन स्टिल, क्या बोलती है मंजुला, मैं अब भी एक बार जीत सकती हूँ। मंजुला रिप्लाइड एज कैजुअली एज सी कुड, जितना कैजुअल ढंग से, जितना रिलैक्स वे में, जितना नॉर्मल वे में वो कह सकती थी, उतने नॉर्मल वे में वो कहती है कि आई माइट विन वन स्टिल, इट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट इन माय कैटेगरी, मेरी कैटेगरी में, यानी मुझ जैसे बच्चों की कैटेगरी में क्या सब्जेक्ट मिलता है पेंटिंग का, पेंटिंग करने का टॉपिक क्या मिलता है, इस पर डिपेंड करता है। तो मंजुला अपनी बातों से जता रही है कि शी इज enthusiastic inside to participate in that competition. Your category, cried Amol. Manju, hey, does you mean you are participating? जब ये बोलती है मेरी कैटेगरी में, अमोल बोलता है मंजू इसका मतलब तुम पार्टिसिपेट कर रही हो। He jumped up and pumped her hands up and down. ठीक है ना, वो कूदने लगा, उछलने लगा, अपने हाथों को ऊपर नीचे करते हुए, पंप की तरह करते हुए उछलने लगा। आई न्यू यू वुड डू इट, मुझे पता था तुम यही करोगी। आई वाज श्योर यू वुडंट गिव इन, मुझे पता था कि तुम कभी हार नहीं मानोगी। गिव इन मीन्स बीइंग होपलेस, हार मान लेना। मंजुला फ्रीड हर हैंड्स एंड आंसर्ड सॉफ्टली, अमोल मंजुला के हाथों को पकड़ के और जंप कर रहा था, तो मंजुला फ्रीड हर हैंड्स, वो अपने हाथों को फ्री करती है एंड आंसर्ड सॉफ्टली, और धीमे से जवाब देती है, इफ रिच बिलांगर कुड डू इट व्हाई नॉट मंजुला पारेलकर, अगर रिच बिलांगर कर सकता है तो मंजुला पारेलकर क्यों नहीं कर सकती है। हर ब्रदर लुक्ड एट हर, उसके भाई ने उसको देखा, अ ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस, उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान छा गई। रिच बिलांगर, मिसेस पारेलकर आस्ट, मिसेस पारेलकर को पता नहीं था कि रिच बिलांगर कौन है, इसलिए वो पूछती हैं, सरप्राइज है कि भाई ये रिच बिलांगर कहाँ से आ गया, तो वो अचंभित होकर के पूछती हैं, रिच बिलांगर, हु इज रिच बिलांगर, कौन है रिच बिलांगर। रिच बिलांगर स्पोक मंजुला एंड हर ब्रदर टुगेदर, दोनों ही बच्चे एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं, दोनों के मुंह से एक साथ जवाब निकलता है, रिच बिलांगर प्ले सॉको विद आर्टिफिशियल फीट, इजंट दैट समथिंग। दोनों ही रिच बिलांगर के बारे में बताते हैं कि रिच बिलांगर सॉकर खेलता है आर्टिफिशियल फीट से, इजंट दैट समथिंग, ऐसा ही कुछ है ना। एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? We learnt from this story that physically challenged people don't need our sympathy, they need our encouragement. तो students, आज की क्लास में बस इतना ही। अपने अगली क्लास में हम इस स्टोरी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे और उन्हें कंप्लीट भी करेंगे। So get ready for it. Bye bye and take care.